तो बहुत 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 बड़ा दिन है कल लेडी संगीत, पापा जी के लड़के की शादी है, अभी कीर्तन के लिए तैयार होना है। आज सिंपल सा खाना बना है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वंदना। सो गाइस, आज है 17 नवंबर। 17 नवंबर मीन्स आज तो बहुत 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 बड़ा दिन है। और पता नहीं मैं सही आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ये लग गया है ना ऊपर। एनीवे, आज है 17 नवंबर और आज है भाई का लेडी संगीत, ठीक है। तो सारी तैयारियाँ हो रही है, फुल ऑन चल रही है। ये देखो, ये हमारे भाई और बैठ रखे हैं, ये सारा देखो आप, ठीक है। तो अभी मेहमान आने शुरू हो गए हैं, जैसे मेरे मौसी और आ गया है, दादा और आ गया है, नानी और आ रहे हैं, मामा और आ गए हैं, और सारे रिश्तेदार धीरे 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 आना शुरू हो रहे हैं। महिला संगीत भी बोलते हैं हम हिंदी में, तो महिला संगीत है। आज मेहंदी लगेगी शाम को भैया के, हमने लगा लिया, कल हमारा काम हो गया ख़त्म, मतलब हमने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पे अभी डेकोरेशन वाला आ रहा है, मेहंदी की डेकोरेशन, वो देखते हैं कैसे लगानी है। और इधर पापा जी आज पूरा बिजी, पापा जी के लड़के की शादी है, तो पूरा पापा ने अभी ना कोट पहना है, इनका थकना है। पापा जी एकदम खुश अपना काम कर रहे हैं, पूरा सुबह से लगे हुए हैं, करो पापा एकदम अच्छे से। तो अभी मेहंदी की डेकोरेशन होएगी, रात को मेहंदी है ना, तो मेहंदी की डेकोरेशन होएगी, उसका स्टेज बनना है। तो मुझे भाई ने बोला कि वो देखते हैं कैसे बनाना है, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग जैसे बनवाएंगे, जैसे हमको अच्छा लगेगा। तो अभी ये पूरा यहाँ से एंट्री गेट है, ठीक है, यह रास्ता, ठीक है, यहाँ से एंट्री गेट, और वहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता है, इधर से इधर टेंट के लिए भी है रास्ता। इधर हो गया घर, थोड़ा ना तबीयत ख़राब सी है, तो पर क्या करना, मेरी माता भी नहा धो के आ गया है, अभी कीर्तन के लिए तैयार होना है, कीर्तन है हमारा 2 बजे, तो कीर्तन के लिए भी तैयार होएंगे। और सारा काम काज चल रहा है, देखो इधर इधर बिस्तरे है, उधर खाना, तो साथ के साथ दिखाती रहती हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। पापा उनके लिए ना चॉकलेट और टॉफीज लेके आया है, तो फिर लड़ रही है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, कितने और चाहिए। गाइस, यहाँ पे होना है कीर्तन, तो यहाँ पे थोड़ा झाड़ू पोछा दोबारा से कर रहे हैं, वैसे तो पहले किया हुआ था, अब दोबारा से झाड़ू और पोछा यहाँ पे करके, और यहाँ पे अब दरी वगैरह बिछा देंगे, और फिर यहाँ पे होगा कीर्तन स्टार्ट, 2 बजे हो जाएगा, 2 बजे के बाद ही थोड़ा सा। ओके गाइस, तो कीर्तन वाले भी आ गए हैं, कीर्तन के लिए फुल तैयारी शैयारी है, और हमारे ढोल दमो वाले भी आ गए हैं, और इधर देखो ये, और उधर ना खाना चल रहा है, अभी जो रिश्तेदार आए हैं वो खा रहे हैं अभी। और मैं गाइस, अभी सब स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम, इधर देखो नानी भी आ गए हैं। ओके गाइस, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और खाना भी लग गया था, आधे जनों ने खाना खा लिया और हम अभी रहते हैं खाना खाने के लिए। तो मैं और भाई आए हैं, खाना खाते हैं और फिर आगे तैयार होके फिर प्रोग्राम अटेंड करते हैं। क्या बनाया आज? आज सिंपल सा खाना बना है। इधर मामा और बना रहे हैं प्रसाद, और इधर कीर्तन चल रहा है, इधर हमारे बैठ रखी है बड़ी मामी, गप्पे मार रही है, और मुझे कह रहे हैं कि आगे जाके डांस कर, तो थोड़ी देर में जाएंगे अभी हम, है ना सन्नू, थोड़ी देर में सन्नू भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गई हूँ।
गाइज मैं ना अभी टेंट में आई थी और इधर ना देखो चल रहा है टेंट भी लग रहा है। तो यहाँ पे ना देखो मेहंदी की हमने ऐसे डेकोरेशन करवाई है कुछ। ये सोफा अभी सेंटर में होएगा तो देखो डेकोरेशन अच्छी लग रही है ना। और इधर हमारा स्टेज है और इधर ये तो जब दिखेगा हेलो गाइज बोलेगा। और इधर हमारा सेटअप लग रहा है अभी। उधर खाने पीने का होगा, इधर बैठने का होगा और ये डांस का फ्लोर है। ओ जो हमें डांस करना है।